ये 150 पद्य हमने केले के लगाए हैं। पद्य से पद्य की दूरी है 5 फीट, लाइन से लाइन किया लगभग 8 फीट, और बीच में इसमें हमने हल्दी ली है मिड्डो पे हल्दी। अब ये केला है, केले के नीचे छांव रहती है, छांव में अगर हम यहाँ पे इसमें मक्की लगा दें या कोई ऐसी फसल लगाए तो बिल्कुल नहीं होगी, परंतु हल्दी छावे में जैसे होती है, देखो ये हल्दी पककर तैयार हो गई है, पत्ते सूख गए, बस अब इसको फाड़ देंगे कभी भी। ये दोनों मेड की दोनों साइड में हल्दी है, और बीच में देखो साथ में किन्नू भी है, नींबू भी है, तो किसका किसके साथ कितना मेल है, उसी तरीके से हमें जब तक किसान नहीं लगाएगा ना ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मेल के हिसाब से लगाना चाहिए, किसका किसके साथ मेल है, किसकी किसके साथ दोस्ती है। जैसे मैंने अपने खेत में 150 पेड़ केले के दिखाए है ना, ये तो मैंने कच्चे काट के दूसरी देसी भी दिया, ये जैसे ऊपर से कीड़ा पीड़ा होना शुरू हो जावा ना, ये तो इसको ये हम जाके टांग देवा, बाहर साइड में भी टांग देवा, तो ये पकदा पकदा पकदा, ये देखो नीचे तो अभी कच्चा है ना, ये पकदा पकदा 7 दिन में पूरे का पूरा पक जाएगा ये, और ये पकया जो केड़ा है ना, आप पूरा पकने के बाद ये केड़ा पूरा तैयार है, आप इसको ले जाओ आप अपने घर रूम टेम्परेचर पे रख लो, ये 7 से 8 दिन मेरा केड़ा खराब नहीं होएगा जी, सड़ेगा नहीं, बेकार नहीं होएगा बिल्कुल भी। और आप इस केले को कैसे सेल कर रहे हो, जैसे बाजार में सेल कैसा है जी? देखो मौसम हिसाब से एक आधा महीना तो कम ज्यादा रेट भी, लगभग अच्छा केला जो है ना ये 60 रुपए दर्जन करनाल में, मतलब जो रासायनिक केला है मसाले से पकाया केला है ना वो 60 चला, ठीक है ना। अगर होम डिलीवरी लेवा तो हम 70 रुपए देवा, अगर मेरे खेत से कोई लेके आवा हम 10 रुपए कम देवा, बाजार से भी 50 का भी देता थोड़ा। ये देखो साइज तो देखो ना, साइज भी तो जबरदस्त है ना, कितना बड़ा साइज है इसका, 1 दर्जन केले का 2 किलो के करीब वजन मिलेगा, और थोड़ा छोटा हो तो 40 भी लगा दे, ये कोई बात नहीं है। बंदा देख का कोई कहता जी मुझे केला खाना है तो ऐसे ले जा, अरे किसान के यहाँ तो ऐसे ही चलता है, किसान जो है ना उगाना तो चावा और खाने वाला खाना भी चावा, परंतु खाने वाला 1000 का शाम को तो खर्चा कर देगा, 5 रुपए किसान को ज्यादा नहीं देगा, किसान पीछे हटता जा रहे हैं।